Good evening, all of you. I welcome you all on my channel. I am Namit Kumari, your educator. As you know that we are doing retirement of partner chapter, and today we will discuss about the gaining ratio. जिन students ने मेरी new ratio calculate करने की video नहीं देखी है वो उस video को देखें, उसके बाद इस concept पर आएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा. So let's start before wasting your time. What is gaining ratio? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब एक partner फॉर्म से retire होकर जाता है तो जाने के time पर वो अपने share को पुराने वाले partners के लिए छोड़ के जाता है, मतलब जो remaining partners हैं उनके लिए छोड़ जाता है और बदले में कुछ share लेकर जाता है, goodwill का, reserves का या revaluation का. ठीक है, ये बताया था मैंने आपको. तो gaining ratio वही है कि जब एक partner retire होकर जाता है तो remaining partners को कितना गेन हुआ, मतलब कितना फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब वो अपना शेयर देके जाएगा तो उन्हें कुछ बेनिफिट देके जाएगा. सो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ऐसा इसीलिए क्योंकि गेन का मतलब है प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब आपको फ़ायदा. फ़ायदा आपको तभी होगा ना जब आपकी नई रेशियो ज़्यादा आएगी. सपोज़ करते हैं आपको अभी 3/2 रुपीज़ मिल रहे हैं, बाद में अगर आपको 5/2 मिल रहे हैं, अगर आपको आज 3 रुपीज़ मिल रहे हैं और बाद में आपको 5 रुपीज़ मिल रहे हैं, तभी तो आप गेन कर रहे हो ना. तो इसीलिए गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यही बना है कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ठीक है, तो अब हम इसमें करते हैं एग्जांपल 1. इसके लिए पहले आपको न्यू रेशियो निकालनी आनी चाहिए, तभी क्वेश्चंस गेनिंग रेशियो तक पहुँच पाओगे आप. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ABCD पार्टनर्स हैं विद दिस रेशियो. सी रिटायर्स एंड रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली. सी के रिटायर होने के बाद जो बाकी पार्टनर्स हैं यानी रिमेनिंग पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा. तो पहली बात तो ये डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, जो कि नहीं है. ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करिए आप एलसीएम लेकर. 6 से एलसीएम लिया आपने, 3 2 ज़ा देन 1, 3 2 ज़ा एंड 1, ये हो गई आपकी न्यू रेशियो, सॉरी आपकी एक्चुअल में ओल्ड रेशियो जो है इट इज़ 2/6, 1/6, 2/6 एंड 1/6. एक बात का ध्यान रखना है, इन सब का जो टोटल है ना वो 6 नीचे वाले के बराबर आना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि मिस्टर सी रिटायर होकर चले गए और जो नए पार्टनर्स हैं ना उनकी रेशियो इक्वल है. क्यों है? 1:1:1 थ्री टाइम्स क्यों है? क्योंकि एक पार्टनर के जाने के बाद 3 पार्टनर रिमेनिंग है ना, इसलिए 3. ठीक है, अगर 2 पार्टनर रिमेनिंग होते तो 1:1 हो जाता. इक्वल है, हमने इक्वल ले लिया. अब आपका फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ठीक है, तो आप निकालिए कि मिस्टर ए कितना ले रहे हैं. ए इज गेनिंग रेशियो, ए का गेनिंग निकालिए. न्यू माइनस ओल्ड, न्यू है 1/3 माइनस ओल्ड है इनका 2/6. एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ कैसे लेते हैं, 3 2 ज़ा एंड दिस. 0 का मतलब ना तो इनको कोई फ़ायदा हुआ ना इन्हें कोई नुकसान हुआ. मिस्टर सी के जाने से ना तो इनको कुछ गेन हुआ है और ना ही इन्हें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा. 0 इट मीन्स पहले भी वो बेचारे 2 रुपीज़ ही ले रहे थे और आज भी वो 2 रुपीज़ ही ले रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं बी इज गेनिंग रेशियो. बी का न्यू रेशियो कितना है? 1/3 माइनस ओल्ड कितना था? 1/6. एलसीएम लेंगे आप, दैट इज 1/6. क्लियर है? एंड देन आपको डी का निकालना है. डी इज गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड था इनका 1/6. एलसीएम लेंगे आप, ये भी 1/6. ठीक है, तो इसका मतलब ए ने तो कुछ गेन नहीं किया तो इसीलिए वो गेनिंग रेशियो में उनका नाम भी नहीं लेंगे आप. तो आपके पास सिंपल कौन रह गए? बी एंड डी. तो आंसर आ गया 1/6:1/6, दैट इज 1/1. दे हैव दिस गेनिंग रेशियो. क्लियर है? चलिए, ऐसा हो सकता है, 0 आ सकता है, इसमें कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है. नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल नंबर 2 पर. एग्जांपल 2 कहता है दैट वी हैव ABC 3 पार्टनर्स विद दिस रेशियो एंड ए रिटायर्स. ठीक है, ए रिटायर होके जाता है एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर, यानी अपने शेयर का 2/3 वो सरेंडर करते हैं. किसके लिए? इन फेवर ऑफ बी, बी के लिए सरेंडर करते हैं. एंड रिमेनिंग यानी कि जो बच गया उतना शेयर वो किसके लिए देते हैं? मिस्टर सी के लिए. क्वेश्चन में
थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन डाल दी गई है, बट इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं है। पहली बात, पहला स्टेप एलसीएम सेम करना। एलसीएम लेंगे आप, ठीक है, मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप एलसीएम लीजिए। 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 fours are 8, 2 ones are 2 ones are 2 twos are 4 and this 8 आ गया, ठीक है। और वे दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है, सेम टेबल से कट रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने ले लिया 8 एलसीएम, न्यू रेशियो आपकी रेशियोज बन जाएंगी 2 fours are and this, दिस इज़ योर एक्चुअली ओल्ड रेशियो, ठीक है। ए बी सी की एक्चुअल ओल्ड रेशियो ये है, अब ये वाली ख़त्म हो चुकी है, समझ आ गई बात। हमेशा एलसीएम के बाद ही करना है। और देखिए ये 3 + 4 = 7 + 1 = 8 इसके बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से ए रिटायर हो जाते हैं, और ए जब रिटायर होते हैं तो वो अपने शेयर का 2/3 देते हैं इसको, यानी कि बी को, और रिमेनिंग देते हैं सी को। तो पहले आप देख लीजिए कि बी को कितना मिल रहा है और सी को कितना मिल रहा है, ठीक है। बी विल गेट, या बी इज गेन भी लिख सकते हो, बी विल गेट कितना, 2/3 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 2/3 ऑफ हिज शेयर, हिज यानी उनका, उनका शेयर कितना था ये, ठीक है। 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ हिज शेयर, ऑफ के बाद जो वर्ड बोला जाता है उसी का करते हैं, हिज शेयर बोला था इसलिए मैंने हिज शेयर लिख दिया, ठीक है। 3 2 6, 8 3 24, तो बी को इतना मिलेगा। नाउ बीज न्यू रेशियो, देखिए इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो एंड गेनिंग दोनों निकालनी है, इसीलिए मैं पहले न्यू रेशियो निकाल रही हूँ। बीज न्यू रेशियो कितनी आएगी, बी का पुराना शेयर था कितना, 4/8, और इतना उन्हें मिलने वाला है 6/24। आप एलसीएम लोगे 24 आएगा, 8 3 = 24, 3 4 = 12 + 6 = 18/24, क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि बी का तो काम खत्म हो गया, बी का शेयर आ गया, अब आपको क्या बोला है कि जो रिमेनिंग है ना वो सी को दिया जा रहा है, तो रिमेनिंग निकालिए। रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग शेयर देखिए, अगर वो 2/3 अपने शेयर का दे चुके हैं, टोटल शेयर कितना था उनके पास, रिमेनिंग हमेशा कैसे निकलता है, टोटल में से माइनस, तो टोटल ए के पास कितना शेयर था, ए के पास 3/8 था, जिसमें से वो 3/2 ऑफ हिज शेयर, यानी अपने शेयर का 2/3, यानी कि ये वाला वो दे चुके हैं मिस्टर बी को ऑलरेडी, तो रिमेनिंग ऐसे निकलेगा, टोटल में से ये वाला माइनस कर दो आप, क्योंकि उन्होंने इतना दे दिया है 24, यानी कि 3/24। तो अब आपके सीज की न्यू रेशियो क्या होगी, सीज न्यू रेशियो विल बी जितना उनके पास पहले था उसमें ये वाला पोर्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है। सी के पास कितना था, 1/8 प्लस 3/24 ऐड हो गया 24, 8 3 = 24 एंड 3 + 3 = 6/24, ठीक है। तो ये हमारे पास बी की न्यू रेशियो आई थी और ये हमारे पास सी की न्यू रेशियो आई थी। तो बी इज टू सी हमारा कितना हो गया, 18/24 एंड 6/24, 6 के टेबल से कट सकता है, तो 6 3 = 18, 6 1 = 6, ये आ गई आपकी न्यू रेशियो। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, हमें सिर्फ न्यू रेशियो नहीं निकालनी थी, हमें तो गेनिंग भी निकालनी है। तो ए का गेनिंग निकालिए आप पहले, बीज गेनिंग रेशियो, बी की गेनिंग रेशियो कैसे आएगी, न्यू माइनस ओल्ड फॉर्मूला है, न्यू रेशियो कितनी है 3/4, ठीक है, माइनस ओल्ड रेशियो कितनी थी बी की, 4/8, ठीक है। अब आप करेंगे 8 4 2 = 3 2 = 6, यानी कि 2/8। उसके बाद मिस्टर सी, सीज गेनिंग रेशियो कितनी आती है, सी की गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना है उनका 1/4। कैसे किया मैंने, मैंने आपको पहले ही बताया था ये इस तरीके से होता है, बीज टू सी, तो इसका 1/4 माइनस ओल्ड कितना है इनका 1/8, एलसीएम 4 2 - 1 = 1/8। सो गेनिंग रेशियो ऑफ बी इज टू सी विल बी 2/8 1/8, दैट इज 2:1, दिस विल बी योर आंसर, सिंपल। तो आपको क्या करना है, पहले न्यू रेशियो निकालना निकालने का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, अगर ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो तो गेनिंग रेशियो भी आराम से निकल जाएगी, ठीक है।
एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, आप बुक से भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल नंबर 3, दैट ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी वर पार्टनर्स हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, 2:1, 4। ठीक है, एंड ए रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, ए की रिटायरमेंट हो जाती है, एंड हिज शेयर एक्वायर्ड, हिज शेयर एक्वायर्ड बाय बी एंड सी इन 3:2 रेशियो। ठीक है, उनका जो शेयर है वो इस रेशियो में एक्वायर किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास ए की रिटायरमेंट हो जाती है, बी और सी को वो देकर जा रहे हैं, इट मीन्स डी का जो शेयर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो D इज न्यू रेशो, वो आपको पहले से ही पता है, वो क्या होगी 4+1 5, 5 6 7, 7+ this। ठीक है, इनकी रेशो तो कन्फर्म है, ये तो फिक्स्ड है, पहले भी इतनी थी आज भी इतनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि A के सॉरी B के शेयर में क्या फ़र्क पड़ा। B's विल गेट, B को कितना मिल रहा है, B को मिलेगा जो A का हिस्सा है यानी कि 3/10 इस रेशो में मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो बीज न्यू रेशो कितनी आ जाएगी, पहले वाले शेयर में, यानी कि जो बी का पहला वाला शेयर है उसमें अब इनको जो मिलने वाला है वो आप ऐड कर दो, 10 5 5 2 10 and 9 19/50। क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया सभी को। इसके बाद हमें निकालना है मिस्टर सी के लिए, सी के लिए देखते हैं, सी विल गेट हाउ मच अमाउंट ही इज गेटिंग, सी को कितना मिल रहा है, 2 वाला हिस्सा मिलेगा ना। तो आप क्या करेंगे कि सी को जो हमारा मिस्टर ए गया है, ए के शेयर में से यानी कि 3/10 में से 2/5 मिल रहा है। ठीक है, तो उनका सीज न्यू शेयर रेशो कितनी आ जाएगी, सी की न्यू रेशो पुराने वाले में ऐड प्लस करने के बाद आपके पास उनका हिस्सा आ जाएगा 50। एलसीएम लेंगे आप 10 5 and 6 5 plus this 11/50। क्लियर है, तो अब हमारे पास मिस्टर बी इज़ टू सी इज़ टू डी तीन लोग रह गए हैं, और इनकी न्यू रेशोज़ भी हमारे पास आ चुकी हैं। इनके पास है 19/50, सी के पास है 11/50, एंड मिस्टर डी तो 4/10 के साथ ही काम कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे आप क्या करोगे, एलसीएम। क्यों लेना है एलसीएम, क्योंकि ये तीनों सेम नहीं है। ठीक है, तो रेशो बनाने के लिए इनको सेम करना है, तो ये बन गया 19:11:10 5 50 and 5 4 20। तो ये आपकी न्यू रेशो आ जाएगी। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, गेनिंग रेशो निकालनी है, जो कि बहुत आसान है। गेनिंग रेशो ऑफ बी आप इजीली कर सकते हो, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू है इनके पास 19/50 एंड ओल्ड कितना था 2/10। ठीक है, एलसीएम लीजिए 9/50। ठीक है, गेनिंग रेशो ऑफ सी, सी के पास कितना है, सी के पास आज की डेट में 11/50 है, माइनस पहले सी के पास कितना था 1/10। एलसीएम लेंगे आप 6/50। इसी तरीके से गेनिंग रेशो ऑफ डी, क्या डी का कुछ गेन होगा, नहीं होगा, क्योंकि डी का पहले भी उतना ही शेयर था, आज भी उतना ही है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो वो तो जीरो ही आएगा, पहले भी इतनी ही थी और आज भी इतनी ही है। तो गेनिंग रेशो सिंपल किसकी निकलेगी, बी और सी की, दैट इज 9:6। बट दिस इज नॉट योर आंसर, बिकॉज दिस कैन बी कट फ्रॉम द टेबल ऑफ 3। तो आंसर क्या होगा, 3 3 9 3 2 6, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना आप इसकी, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।